क्या बात है अजय, तू तो बहुत शाना हो गया आजकल। क्या प्लानिंग है तेरी भाई, मान गया। वाह, चाचा का कोई वारिस तो है नहीं तो प्रॉपर्टी का मालिक तो बन जाएगा, है ना? नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं है। ओए तू ये गोल गोल घुमा फिरा के क्या बात कर रहे हैं, जो तेरे दिल में है साफ साफ कह दे। देख भाई, बात ये है कि तेरी शादी अभी हुई नहीं है और अंकल की कोई औलाद नहीं है, तो इतना पैसा जमा करके क्या फायदा है? कम से कम ठेके पे थोड़ा चखना फ्री में दे दिया करे, पुण्य मिलेगा। पिछले 4 साल से अपने घर का काम खत्म नहीं कर पाया। इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तेरे चाचा का इतना बड़ा घर है, उसका गला काट दे और घर पे कब्जा कर ले, और बुड्ढा मरने के बाद तो तेरे काम आएगा कोई ना कोई। देख, चाचा के बारे में उल्टा मत बोल। भाई मैं तो वकील हूँ, अच्छी सलाह देना मेरा फर्ज है। भगवान ने तेरे आदमी अमृत का लोटा पकड़ाया है, पी ना पी तेरी मर्जी। आंटी जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बस थोड़ा सा थक गई हूँ बेटा, आराम कर रही हूँ। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरा बेटा मुझे लेने आ ही रहा है, पास में ही है। क्यों, हम इंसान नहीं है, हमारी गाड़ी पर नहीं बैठ सकती? अरे ऐसी बात नहीं है, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैं तो चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, कोई अपनी बेटी का हाथ मुझे देना ही नहीं चाहता। आओ चाय पी के जाओ। नहीं आंटी, वैसे मैं तुलसी का हाथ जो मांगा उसके लिए बुरा मत मानिएगा। क्यों, उससे शादी करने के लिए मना कर दो? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तुलसी बहुत खूबसूरत और स्मार्ट लड़की है, जिसके साथ उसकी शादी होगी बहुत ही नसीब वाला होगा, उसकी जिंदगी सवर जाएगी। सगाई टूटने की वजह आपके रिश्तेदार ही है, पता है? ये तुम क्या कह रहे हो? जब ऐसे रिश्तेदार हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है, अपने आप को संभालिए और घर जाइए। तू बता बेटा, तू शादी करेगा? क्या बताऊं आंटी, मेरा नाम इस इलाके में बहुत बदनाम है। शराब की एक बूंद तक नहीं पीता, लेकिन बार चलाता हूं। बोले तो बहुत शरीफ हूं, लेकिन फिर भी कोई अपनी बेटी मुझे नहीं देना चाहता। देखिए आंटी, मैं बस अपने काम से काम रखता हूं और बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देता। क्या मैं इस बारे में अपने बेटे और बेटी से पूछ लूं? मुझे ये रिश्ता मंजूर है, पर बेटा और बेटी ना कह दिए तो? आंटी जी, आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश कर दिया। चलता हूँ आंटी, बाय। कैसी बातें कर रही हूँ माँ, इसको किसी के भी गले में बांधू? कितनी बार कह चुका हूँ मैं तुलसी के लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ। और वो लड़का कब मिलेगा? थोड़ा सब्र करो, मिल जाएगा माँ। मुझे वो बहुत पसंद आया है और मैं उससे उसी दिन शादी करूंगी जो तारीख हमने पहले से ही तय की हुई थी। भाई तुम सबको पता भी है क्या बोल रहे हो? एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है वो आदमी, उससे शादी करोगी? बेटा वो बहुत ही खतरनाक आदमी है और पूरे गांव में उसका नाम बहुत बदनाम है। क्यों दादाजी, आप लोग क्या मेरी शादी होते देखना नहीं चाहते हैं क्या? उसके माँ बाप सालों से आपस में बात नहीं करते, एक घर में 2 चूल्हे जलते हैं, उस पर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ कौन अच्छा है भाई, सभी लोग तो नकली मुखौटा लगा कर बैठे हुए हैं। कम से कम वो जैसा दिखता है वो वैसा ही है। देख थोड़ा और इंतजार कर, हमारी पहचान में और भी लड़के हैं, अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। फिर कोई रिश्तेदार हमारी शादी में अड़ंगा डालकर रुकवा देंगे। सभी लोग मुझे पसंद करते हैं ना भाई, पर कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता, जबकि वो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है। तुम भी मान जाओ भाई, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। लगता तुझे मुझ पर भरोसा ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ तुम 4 लोग ही हैं जो मुझे समझते हैं, जबकि पूरा गांव मुझे लेकर उल्टी सीधी बातें करता है। मुझसे वादा करो भाई, मेरी शादी की बात अब यहाँ नहीं होगी, मैं आप लोगों के साथ यहाँ रहना चाहती हूँ। ये लगातार मेरी शादी की बात अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है भाई। तुलसी की किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है, ये तो बहुत ही बुरा हो गया। मुझे लगा आप तुलसी को अपनी बेटी समझते हैं। तो क्या हुआ, उसका खून तो अलग है ना हमसे। तुमने किसके घर में जन्म लिया, कौन शादी करने वाला है तुमसे? सभी लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मुझे वो बहुत पसंद है भाई। सब कुछ मैं देख लूंगा, तो टेंशन मत ले। चल चाचा। बाबा, मेरी बहन को क्यों मारा तूने? चल हट। Ha ha ha!
ये हाँ भैया, भैया क्या हो गया? चाचा जी राणा आ जाओ भाई। आओ ना चलो। बड़े भैया। हाँ बोल। वो सोच रही होगी कि हम उसकी बेटी की शादी अटेंड करेंगे जबकि हम करेंगे ही नहीं। बहुत ज्यादा अकड़ रही थी उस दिन, आज सब समझ में आ जाएगा। हमारे काफी रिश्तेदार इस शादी में नहीं आए। माँ वो छुट्टी मनाने के लिए तीर्थ पर गए हैं। मेरी बहन की शादी में आने के लिए उनके पास मुँह रह गया था क्या? बाबा जी जल्दी कीजिए ना, मुहूर्त निकल रहा है। बाबा आप दे दीजिए। एक मिनट रुक जाइए। चाचा जी आप आ जाइए। हमेशा खुश रहना तुलसी। हाय भैया। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक्स भैया। ये लीजिए बहन जी। अरे कैसे पहना रहे हो? आजा यहाँ पर खड़ी हो जा। संभल कर। हम सब इंतजाम कर लेंगे। वो हमारे कलकत्ता वाले। उन्हीं को दे दे। अरे मैं अपने जीजा जी के पास खड़ा होऊंगा। जीजा जी मेरी बहन तुलसी का ख्याल रखेगा। हाँ हाँ कहने की बात थोड़ी ना है। मैंने सुना कि तुम और तुम्हारे बाबा नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा मीठी छुरी की बात सुनी होगी। अब देख भी ले साले साहब। आगे आगे देख तू। तुलसी भूख लगी है चलो ना। चलो शादी की रस्म पूरी होने के बाद दूल्हा यहाँ लंच तक बैठा रहा। उसने मेहमानों को खाना भी खिलाया और जो वीडियो बना रहा था उसने उन दोनों से कहा थोड़ा करीब आके खड़े हो जाओ। उस बात से नाराज हो गया और उसे गाली देकर चला गया। सब लोग उसी को ढूंढ रहे हैं। भैया वो कहाँ गया होगा? यहाँ बाहर में तो नहीं है बेटा, वो तो घर पे भी नहीं है। वो बदला लेने की कोशिश कर रहा है। अच्छा कुछ पता चले तो फोन करना, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तू जा जाकर माँ के साथ बैठ। अरे बोला ना फिक्र मत कर जा बैठ। किन पापों की सजा दे रहे हो मुझे? अरे पांडे भाई मेरी पत्नी भी गायब है यार। तो कहीं अजीत मेरी पत्नी के साथ दोनों साथ में भागे। ओ सुनो बेटे का पेट खराब हो गया है। जिंगर अजीत येड़ा है अंधा नहीं है, अपनी बीवी को संभाल। ये लो ये तो यहाँ भटक रहा है। हाँ भाई दूल्हे राजा शादी में क्यों नहीं बुलाया? दिल नहीं किया। चल ठीक है पर रोड पे क्यों भटक रहा है तू? अमेरिका जा रहा हूँ। अजीत भाई मेरा धंधा तो चौपट कर दिया पर अपनी पोली पत्नी की जिंदगी खराब मत कर। तू सचमुच शहर छोड़ के चला जा भाई। ओए इसीलिए मैंने तेरे को बुलाया नहीं। ये तो मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैं बिना बुलाया खाना भी खा के आ गया। खाना बिल्कुल तेरे जैसा था भाई यार। अबे सांड निकल ले तो लूंगी उतार दूंगा। चल भाग जा अमेरिका।